हेलो एवरीवन, कैसे आप लोग? देखिए, पाकिस्तान चाइना साइंस 20 डील्स ड्यूरिंग प्राइम मिनिस्टर ककर्स विजिट, देखते हैं क्या है। पाकिस्तान एंड चाइना हैव इंक्ड 20 एग्रीमेंट्स एंड एमओयूज ड्यूरिंग दी मेडन विजिट ऑफ इंटरिम प्राइम मिनिस्टर अनवर उल हक ककर टू इन्हांस कोऑपरेशन अंडर दी बीजिंग बैक बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, अकॉर्डिंग टू अ जॉइंट स्टेटमेंट इशूड ऑन फ्राइडे। During the visit, the two sides signed 20 agreements and MOUs covering cooperation on the BRI, infrastructure, mining, industry, green and low carbon development, health, space cooperation, digital economy, development cooperation and export to agricultural products to China, the joint statement said. अब देखिए, मैं यहाँ पे वही होता है ना, थोड़ा अब गुस्सा आ जाता है चाइना और पाकिस्तान का नाम सुनते ही। अब क्या किया जाए, गुस्सा आ गया तो आ गया। तो सबसे पहले एक बार हम लोग लोकेशन देख लें, ठीक है? ये इंडिया है, इंडिया के आप देखिए इधर में पाकिस्तान, ये इंडियन बॉर्डर, यहाँ पे पाकिस्तान, यहाँ पे आप देखिए चाइना, और ये पूरा इंडिया। सच बात तो ये पूरा इंडिया है, ये भी पूरा इंडिया है, अखंड भारत क्या बोला जाए पर। अब तो चलो, ये रहा अपना इंडियन बॉर्डर, ठीक है? जल्दी मैं बना रहा हूँ यार, मेरे से बड़ा भक्त नहीं मिलेगा इंडिया का। यहाँ पे आपका वेस्ट में पाकिस्तान, ईस्ट में चाइना, तो ये दो चीज़ है, ये ऑक्यूपाई करके रखे हैं, ये ऑक्यूपाई करके रखे हैं, तो ये चीज़ हमें लेना है अपना। तो उसके लिए मेहनत करो, काम करो। तो ये हमने देख लिया लोकेशन, अब वापस से आते हैं अपने आर्टिकल पर। देखिए, तो चाइना और पाकिस्तान में डील हुआ है, कौन कौन से इशू है, एमओयू साइन हुए हैं, ये बताया जा रहा है। इशू देखो क्या क्या है। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव किसका फायदा? चाइना का। इंफ्रास्ट्रक्चर किसका फायदा? चाइना का। चाइना बनवाएगा, चाइना पैसा लेगा, डेट ट्रैप में किसको डालेगा? पाकिस्तान को, ठीक है? ये दो हो गया। माइनिंग, कौन माइन करवाएगा? चाइना का। पाकिस्तान के यहाँ पे रिसोर्सेस कौन निकलवाएगा? चाइना। फायदा किसका होगा? चाइना। पाकिस्तान को क्या मिलेगा? अनसस्टेनेबल, कुछ टाइम के लिए थोड़ा सा रुपया मिलेगा जो अनसस्टेनेबल हो। ग्रीन एनर्जी, लो कार्बन, ठीक है? ग्रीन एनर्जी एंड लो कार्बन, उनके वहाँ पे मैं तुमको बता रहा हूँ, रोटी खाने के लालच हुए हैं, ठीक है? रोटी दाल नहीं मिल रही है लोगों को, कटोरा लेके भीख मांग रहे हैं। तो कटोरा लेके भीख मांगने वाले हैं, ग्रीन एनर्जी कहाँ से प्रोड्यूस करेंगे? उनके पास एनर्जी आ जाए वही बहुत है, ग्रीन एनर्जी नहीं कर सकते। डिजिटल इकोनॉमी, डिजिटल इकोनॉमी, इकोनॉमी इकॉनमी है उन लोगों की, पाकिस्तान वालों की, उनको क्या चाहिए? डिजिटल चाहिए, आगे डिजिटल लगाएंगे। अरे यार, बेवकूफ़ लोग। और क्या है? एक्सपोर्ट ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स टू चाइना, एक्सपोर्ट ये लोग पाकिस्तान से करेंगे, ये जो कुत्ते जैसा बैठा रहता है, चाइना को। खुद का खाओगे भैया? भूखे मरोगे? हैं? मेरे को समझ नहीं आ रहा ये काम, मतलब इसका बेवकूफ़ लोग है। चाइना इसको देख लेना लूटेगा, और ठीक है, क्या ही बोला जाए, ये अपना थियोक्रेसी में, थियोक्रेटिक स्टेट है ना, इसीलिए ग्रो नहीं कर पा रहा है। तो थैंक यू गाइस, प्लीज़ वर्क हार्ड टू अचीव ऑल योर ड्रीम्स।